ईश्वर का या पिता परमेश्वर का प्यार का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रति इस दुनिया में भेज दिया, और प्रभु मसीह ने अपने हमारी इस दुनिया के पापों के प्रति क्रूस पर मर गए, तो हमें नया जीवन देने के लिए, नया आध्यात्मिक जीवन देने के लिए प्रभु ने क्रूस पर मर गए। इसलिए हम देखते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार में हमें देखने को मिलते हैं अध्याय 23 में वर्षा 34 में प्रभु मसीह क्रूस पर लेटकर मरते नाश अंतिक्षण में ऐसी प्रार्थना किया था, हे पिता परमेश्वर ये लोग नहीं जानते कि क्या करेंगे, इन्हें क्षमा कर दें। तो पवित्र पुस्तक हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है, तो दूसरों से क्षमा करना। प्रभु मसीह कहते हैं कि लोग जो करते हैं इन्हें पता नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञानता का कारण ही लोग ये सब क्रूरता करते हैं। और पवित्र पुरुष हमेशा हमें संरक्षण देता है। पवित्र पुरुष विराजमान हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा या त्रिएक ईश्वर को हम त्रिएक ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं, याचना करते हैं, इसलिए त्रिएक ईश्वर हमें हमेशा संरक्षण करते हैं। तो कलीसिया में एक संत है संत बेनेडिक्ट नाम, बेनेडिक्ट एक अच्छे जीवन बिताते हैं। एक बार एक आश्रम में पहुंचते वक्त किसी व्यक्ति को उनसे बहुत घृणा करते थे, किसी व्यक्ति उससे बहुत घृणा करते थे, बहुत ईर्ष्या थी, इसलिए सोचा कि संत बेनेडिक्ट को मार डालने के लिए उसने एक ग्लास में पानी में जहर मिलाकर संत बेनेडिक्ट के सामने दे दिया, और संत बेनेडिक्ट ने इस पानी लेकर पानी पर क्रूस का चिन्ह लगा दिया, तो उस ग्लास पड़ गया, क्योंकि शैतानी सोच से नेगेटिव सोच विचार से या उसको मार डालने की ताक में उस व्यक्ति ने इस संत के सामने जहां मिला का पानी लिया, पवित्र क्रूस की शक्ति से उस ग्लास फट गया इसी कृपा से। इसलिए हम जब भी अपने घर में सुबह सुबह उठते वक्त या पढ़ाई के पहले या कहीं जाने के पहले पवित्र क्रूस की चिन्ह लगाने से हमें ईश्वर की संरक्षण मिलता है। और इस पवित्र क्रूस के चिन्ह गणित में वर्ष चिन्ह का उदाहरण होगा, प्लस का है ना, जोड़ने का, तो पवित्र क्रूस हमें से जोड़ने का है, पवित्र आत्मा की कृपा हो, पवित्र आत्मा की वरदान हो, अच्छे दोस्ती को, अच्छे आदतों को हमारे जीवन में हमेशा जोड़ना है। ऐसे पकड़ा तो कैसे रहेगा, ये गुणा नौ का चिन्ह आएगा ना, इंदु चिन्ह आएगा ना, तो ये बहुत अच्छे क्रूस की चिन्ह जब हम लगाते हैं तो हमें बुराइयों से नौ करने का शक्ति देते हैं, शैतानी प्रलोभनों से नौ करने की शक्ति मिलता है, जोड़ झूठ बोलने से या अन्य कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक चीजों को करने से प्रभु हमें हमेशा रोकते हैं पवित्र क्रूस का चिन्ह। इसलिए हर दिन जब सुबह सुबह बेड से उठते ही क्रूस का चिन्ह लगाना है, पढ़ने के पहले क्रूस का चिन्ह लगाना है, और स्कूल जाते जाने के पहले क्रूस का चिन्ह लगाना है, सो जाने के पहले क्रूस का चिन्ह लगाना है, जब भी हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं पिता परमेश्वर अपना संरक्षण देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का कृपा वरदान हमें मिलता है। तो पवित्र क्रूस की त्योहार की असर को सभी शुभकामनाएं आदर करता हूँ। प्रातःकाल उठकर मैं सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं पढ़ाई करने के पूर्व क्रूस का चिन्ह बनाता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ। मैं भोजन से पहले और भोजन के पश्चात क्रूस का चिन्ह बनाता हूँ जिससे मुझे तृप्ति मिलती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्कूल जाते समय क्रूस का चिन्ह बनाती हूँ जिससे मुझे कार्यों में आशीष मिलती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं खेलने से पहले
पहले क्रूस का चिन्ह बनाती हूँ, जिससे मुझे हानिकारक चोट गिरने पर भी नहीं लगती। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर नाम। तूने तात से मानव का मेल कराया क्रूस द्वारा, और सुशांति स्थापित की। प्रभु जी तेरा हो जयकार, हो जयकार। पवित्र क्रूस यीशु का जीवनदायक चिन्ह है, शस्त्र है, तलवार है, शैतान के विरुद्ध सशक्त हथियार है। गाएंगे हम क्रूस का जयगान, क्रूस का जयगान, क्रूस का जय जयगान। क्रूस को मूर्खता मानने वाले जानो तुम, क्रूस ही शक्ति, क्रूस ही रक्षा, क्रूस ही मुक्ति। ये ईश्वर की शक्ति, ये ईश्वर की शक्ति। गौरव करती हूँ मैं क्रूस पे, जिसमें लटका मेरा प्रभु है। लहू बहाकर दिया है रक्षा, मानव मुक्ति के खाते क्रूस के जय निध गाती हूँ, क्रूस के जय निध गाती हूँ, क्रूस के जय निध गाती हूँ।